डिपार्टमेंट पे है और कराची यूनिवर्सिटी का जो सबसे वैल्यूएबल है वो अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोप इसी का है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि केमिकल इंजीनियरिंग वालों को जो जॉब्स मिलती हैं वही अप्लाइड केमिस्ट्री को भी मिल जाती हैं। हालांकि कोर्स में फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक फ़र्क है, लेकिन कोर्सेज यहाँ के भी बहुत अच्छे, सिर्फ दो कोर्सेज का फ़र्क है। तो आपको फूड में भी जॉब मिल सकती है, टेक्सटाइल में मिल सकती है, टेक्सटाइल मिल में लेदर्स हैं, मेटलर्जी की फंड्स हैं, तो अप्लाइड केमिस्ट्री की पॉलीमर्स की फर्म है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्कोप है इसका। और अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है भी इस जगह के सामने ही पॉइंट है। स्टूडेंट आपसे पूछते हैं पॉइंट के हवाले से, आपको अपने इलाके में मिल जाएंगे, ये हरे हरे कलर के होते हैं, सुबह 7:30, 7:30 या 7:45 तक निकलते हैं, और यहाँ से जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे निकलने का, तकरीबन सारे इलाकों में जाते हैं। मॉर्निंग के लिए तो बड़ा आसान है, इवनिंग वालों को ये कि यही पॉइंट, जब जाते हैं 1:30 बजे तो वापस आते हैं, तो आ तो आप इसमें सकते हैं। वापसी में शटल सर्विस ज़रूर चलती है नीपा चुरंगी तक, तो वो उनमें आपको कम से कम नीपा तक का मौका मिल जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं इवनिंग में क्लासें कब ऑफ होती हैं, भाई 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो अलग अलग हिसाब किताब है। अप्लाइड केमिस्ट्री में अब गर्ल्स भी अच्छी खासी हो गई हैं, पहले लड़कियाँ बहुत कम थी, और जब हम जिसने में हम लोग पढ़ते थे तो ये हाल था कि भाई 150 लड़के और 3 लड़कियों का एडमिशन, फिर पता चला एक चौथा एडमिशन रिफत का भी हुआ, और लड़कों को इमेजिनेशन हो गई कि रिफत कोई बड़ी खूबसूरत लड़की होगी। चुनाचा लड़कों में रिफत के ऊपर फट्टे होने शुरू हो गए, फक से रिफत का आना नहीं होता था लेकिन लड़कों में फट्टे हो जाते थे। कोई कहता था मुझे रिफत से दोस्ती करनी, अगले ने उसको थप्पड़ मार दिया, शीशे की बोतल तोड़ के पेट में घुसेड़ दी, क्लैशेस हो गए पार्टियों में, बड़े फट्टे हुए। पहला सेमेस्टर गुजर गया, रिफत का आना नहीं हुआ। खैर एक सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में किलर के मुंह से निकला कि आज रिफत ने आना है। लड़कों ने बड़े किट शिट की है, 3-पीस सूट, परफ्यूम की शीशियाँ, रिफत का आना भी हुआ लेकिन रिफत की बड़ी बड़ी मूछें थी। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ अप्लाइड केमिस्ट्री में गर्ल्स भी अच्छी खासी होती है और बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है।